लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मध्य प्रदेश में भाजपा को झटका लगा है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। हालांकि वे दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की। अभी बताते हैं, अजय प्रताप भाजपा के भीतर चल रहे घमासान से परेशान हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा को अलविदा कह दिया। अजय प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति सही मायने में हमारे लिए सेवा का माध्यम थी, धन अर्जन का माध्यम नहीं थी, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। साथ ही अजय प्रताप सिंह ने भाजपा की कार्यप्रणाली और चयन प्रणाली पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ, मेरी असहमति, मेरी आपत्ति मेरे त्यागपत्र के रूप में परिलक्षित हुई है। अजय प्रताप सिंह ने मनमाने तरीके से टिकट वितरण पर भी आपत्ति जाहिर की और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। बताया जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह खुद सीधी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया गया उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। पार्टी की कार्य प्रणाली पर मेरा विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी मुझे अंदर दिखाई दे रहा है और एक लंबे समय से जिन विषयों को मैं सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में सरकार के बीच में उठाता रहा हूँ, कई उन विषयों की इच्छा हुई है, इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत तो राजनीति में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो इस भावना में जरूर विश्वास रखता हूँ और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज के विषय, उनकी भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।